उत्तराखंड के रुड़की सिविल लाइन पुलिस ने 4 छात्री चोरों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने चोरों के कब्जे से लाखों रुपए की विदेशी घड़ियों के साथ साथ सोने चांदी के कीमती आभूषण भी बरामद किए हैं। 18 फरवरी को आरोपी ने रुड़की निवासी शमी अहमद के बंद मकान का ताला तोड़कर काफी कीमती सामान चोरी कर लिया था। इसके बाद पुलिस लगातार चोरों की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने चोरी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाले कारी शमीम एक विवाह में गए हुए थे। जब ये सुबह लौट के आए तो इन्होंने देखा कि इनके घर का ताला टूटा हुआ है और पीछे से इनके घर के पीछे से खिड़की भी तोड़ ली गई है, जिसमें कुछ लोगों ने प्रवेश करके इनके घर चोरी कर ली। मुखबिर के सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया और 100% जो सामान चोरी हुआ था उसकी बरामदगी की। इनके पास बेशकीमती घड़ियां थी, सोने का एक चेन और नाक के कुछ सोने के सामान बरामद हुए हैं। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से संवाददाता लिज्जैदी की रिपोर्ट।